हेलो एवरीवन, फिर आप सबका स्वागत करता हूँ एचडी कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं भैया, अपना आगाज हो चुका है बेहतरीन मैथ बैच का दोस्तों, तो सब लोग जुड़ जाइए अपने इस धमाकेदार सेगमेंट में। जैसा कि आप सब दोस्तों जानते हो कि डेली रात 10 बजे हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स बिल्कुल जीरो लेवल से, जहां आप जीरो लेवल से आप चीज़ों को कवर करोगे और टॉप लेवल तक की चीज़ें भैया कवर करोगे मित्रों। तो सब लोग भैया सेशन को शेयर करते हुए जुड़ जाइए। प्राची शुक्ला जी, आज हुई थी रीजनिंग की क्लास? नहीं प्राची शुक्ला जी, आज रीजनिंग की क्लास नहीं हुई थी। आज सर ने आंसर की के बारे में डिस्कस किया था, यूपी फॉरेस्ट गार्ड की आंसर की आई थी, आंसर की के बारे में सर ने बताया, तो इसलिए आज रीजनिंग की क्लास नहीं हो पाई। तो कल रीजनिंग की क्लास होगी कंटिन्यू। चलिए खेता जी, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ककरोड़ा जी, वेरी गुड, जय श्री राम सर, जय श्री राम। हेलो सर, आप कैसे हो? मस्त जी मस्त, आप कैसे हैं? बढ़िया है। चलिए आ जाइए, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करेंगे आज के अपने सेशन को। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हो, इस वाले सेगमेंट में डेली 10 बजे दोस्तों, डेली रात को 10 बजे आप सबके लिए एक शानदार सेगमेंट आता है मैथमेटिक्स का, जिसमें आप दोस्तों बिल्कुल मैथमेटिक्स को जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, मैथमेटिक्स को बिल्कुल जीरो लेवल से आप पढ़ रहे हो, जीरो लेवल से, जहां आप बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हो। कहां से शुरुआत करनी चाहिए, वहां से हम शुरुआत कर रहे हैं। दिनेश रजक जी नमस्ते सर, नमस्ते जी नमस्ते। सभी बच्चे अपने सेशन को शेयर करेंगे और पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, साझेदारी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? साझेदारी। और ये क्लास 2 है अपनी, इससे पहले एक सेशन साझेदारी का हो चुका है, पार्टनरशिप का एक सेशन हो चुका है। जिन बच्चों ने वो सेशन नहीं देखा है, बाद में जरूर देख लेना उस सेशन को भी दोस्तों, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए आगे की तरफ आप बढ़े दोस्तों। तो आ जाइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को। जल्दी से क्लास को लाइक शेयर कर दो भाइयों और बहनों। खेता जी कह रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आ जाइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के सीधे चलेंगे क्वेश्चनों की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आप अपने क्वेश्चन का जवाब देंगे दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो, पार्टनरशिप ने, हाँ पार्टनरशिप में हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था दोस्तों। वो क्या कॉन्सेप्ट होता है कि प्रॉफिट जो होता है, जो लाभ होता है, वो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के इक्वल होता है। यानी कि कितना पैसा आपने लगाया और वो कितने समय के लिए पैसा लगाया, उन दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या बन जाता है, प्रॉफिट का रेशियो बनता है। और दोस्तों एक चीज हमने और बता दी थी आपको, अगर टाइम इक्वल है, अगर टाइम इक्वल है तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट के रेशियो में बदल जाता है मित्रों। चलो आ जाओ सब लोग सेशन को शेयर करते हुए, आ जाइए दोस्तों शुरू कर रहे हैं आज के अपने शानदार सेगमेंट को। देखो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ए ने 15,000 रुपए के निवेश से एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने क्या किया? 15,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया, एक व्यापार शुरू किया। 3 महीने के बाद बी 23,750 रुपए के निवेश के साथ उसके साथ जुड़ गया। उन्होंने एक वर्ष के बाद 21,000 रुपए, 210,000 सॉरी, का लाभ कमाया। तो बी का हिस्सा कितना है? आ जाओ दोस्तों समझेंगे हम इस बात को बहुत बारीकी से। देखो एक ए है और कौन है भैया? बी है। ए है और कौन है? बी है। ओके तो देखो दोस्तों, ए ने क्या किया? ए ने 15,000 रुपए लगाए। ए ने कितने रुपए लगाए? 15,000 रुपए। कितने दोस्तों पैसे लगा दिए ए ने? 15,000 रुपए। ओके चलिए, ए ने जब व्यवसाय शुरू किया तो व्यापार का पूरा हिसाब किताब कितने समय के बाद हुआ? एक वर्ष के बाद। इसका मतलब ए ने जो पैसा लगाया वो पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया। जी बिल्कुल दोस्तों, और व्यापार शुरू होने के 3 महीने के बाद बी आ गया। व्यापार जैसे ही शुरू हुआ मित्रों, वैसे ही 3 महीने का बाद बी आ गया और बी ने कहा ऐसे कि भाई मेरे को भी इसमें साझेदार बना लो, पार्टनर बना लो। तो बी ने कहा, ए ने कहा ठीक है आ जाओ भैया। तो 3 महीने के बाद आया, 3 महीने के बाद आया और कितने पैसे लगाए बी ने? बी ने पैसे लगाए 23,750। 23,750। अब मित्रों एक बात बता दो, बी ने कितने समय के लिए पैसा लगाया? 3 महीने के बाद आया, 1 साल तक व्यापार चला, 3 महीने के बाद आया। इसका मतलब 9 महीने के लिए बी ने पैसा लगाया। जी बिल्कुल दोस्तों, अब आ जाओ आगे की तरफ। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट का रेशियो बन गया। अब यही रेशियो क्या बन गया? ये प्रॉफिट के रेशियो में बदल गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट, लाभ होता है। ओके चलिए, अगर ये सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना चाहो तो कर लीजिए, इसको जीरो से जीरो काटिए। अब जरा देखो यहां, 3 3 9, 3 4 12। ओके दोस्तों चलिए, अब आप यहां 25 से काट सकते हो, 25 6 150, 25 6 150। ओके 60 आ जाएगा, 25 से आप इसे काट दो,
225 ओके कितना बच जाएगा जल्दी से बताइए, 225 के बाद कितना बचेगा, 12 बचेगा, तो 25 पंजे 125, पांच बाद वाला 25 पंजे 125। अब देखो दोस्तों और भी कट जाएगा, जरा और भी कैंसिल आउट कर लीजिए इसे, और भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जरा देखो 3 से काट दो, 3 दूनी 6 या 20 आ जाएगा, जी बिल्कुल, और 5 से काट दो, 5 चौके 20 और 5 से इसे फिर काट दो, 5 एकम 5, 5 निम 45, तो अब क्या बन गया, यहाँ पर 4 चौके 16 और यहाँ पर कितना है 19, तो ए को प्रॉफिट मिलेगा कितना 16 यूनिट और बी को कितना प्रॉफिट मिलेगा 19 यूनिट। दोस्तों अगर हम दोनों के प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा जल्दी से बता दो, 16 दूनी 32 33 34 35, मेरे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट जो होगा वो 35 यूनिट होगा, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होगा 2,10,000, कितना हो जाएगा 2,10,000। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो 7 पंचे 35 और 7 3 21 ओके दोस्तों, यहां कितना आ जाएगा 30,000, 5 से फिर काट दो, 5 छक्के 30, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 आ गई। जब 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 6,000 है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा मित्रों कितना है 19 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 है, तो 19 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 छक्के 114, 19 × 6,000 कितना आ जाएगा 114,000, तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 114,000, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे मित्रों, सभी बच्चे अपने शानदार सेगमेंट को शानदार तरीके से भैया क्या करेंगे शेयर कर देंगे और अच्छे तरीके से जुड़ जाएंगे बेहतरीन अंदाज में। खेता जी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आया मेरे दोस्त, सभी बच्चे अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चलिए दोस्तों यहां तक की चीजें क्लियर हैं, अगर यहां तक की चीजें क्लियर हैं दोस्तों तो आप आगे की तरफ बढ़िए, आप आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, जल्दी से दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन का जवाब करेंगे आप सब लोग। जी सर वेरी, सभी बच्चे अपने सेशन को शेयर कर देंगे और देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4.3 4:3 4 लिखा हुआ है, ओके रेशियो में है ये तीनों वैल्यू 4:3:4 ओके दोस्तों, वेरी गुड। दिनेश रजक जी कह रहे हैं ये कॉन्सेप्ट बताओ भाई, कॉन्सेप्ट ये हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जो भी आपको लाभ होगा वो लगाए गए धन और कितने समय के लिए आपने पैसा लगाया उन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर ही आपको प्रॉफिट होगा। ओके चलिए आगे की तरफ बढ़ोगे तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, चलिए वेरी गुड, सभी बच्चे अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि भैया शानदार सेशन है, शानदार तरीके से आप लोग पढ़ेंगे और बारीकी से चीजों को कवर कराएंगे हम। देखो दोस्तों अब फिर इस क्वेश्चन को बारीकी से समझना आप लोग, बहुत ही प्यारा और एक लाजवाब क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ए बी सी एक व्यवसाय में क्रम से 8:6:8:9 के रेशियो में क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों 3 पर्सन है, ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। इन्वेस्टमेंट कितना किया ए ने, जरा देखो इन्वेस्टमेंट कितना किया 6:8:9 इस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। अच्छा कितने समय के लिए किया, अब देखो इसमें बोला गया उनके निवेश की अवधि का अनुपात, यानी कि कितने समय के लिए उन्होंने निवेश किया। तो दोस्तों इसने कितने समय के लिए किया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर दीजिए। ओके दोस्तों कितने समय के लिए किया, 4 यूनिट के लिए 4:3, और बी ने कितने 3:3, और सी ने कितने 4 यूनिट, यानी कि 4:3 में। ओके अब चलिए ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बन गया दोस्तों, जी बिल्कुल बन गया। अब आप क्या निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, जी दोस्तों बिल्कुल होता है। अगर ये सिंपल रेशियो में कन्वर्ट हो रहे हैं तो कन्वर्ट कर लीजिए, देखो 4 से 4 कट गया 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ओके दोस्तों चलिए अभी आप और भी कैंसिल आउट कर सकते हो, देखो दोस्तों 3 से काटो 3 एकम 3 3 दूनी 6 ओके 3 से कट गया 3 3 9 क्या बना रेशियो 2:2:3, ये सब क्या बन गया एबीसी के प्रॉफिट का रेशियो आ गया, क्या आ गया दोस्तों प्रॉफिट का रेशियो। तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना होगा जल्दी से बता दो, 2 2 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, यदि वर्षांत यानी कि एक वर्ष के बाद बी का जो लाभ है ना वो कितना है 16,750, मेरे अकॉर्डिंग बी का लाभ कितना है दोस्तों जल्दी से बता दो, मेरे अकॉर्डिंग 2 यूनिट है बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है जल्दी से बताओ 16,750, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी से बताओ, 2 से काट दो 2 8 16 2 3 6 और 2 7 14 2 5 10, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मित्रों जल्दी से बता दो 8,375 आ गई, जी बिल्कुल आ गई दोस्तों। अब सी का लाभ पूछा जा रहा है तो सी का लाभ कितना है 3 यूनिट
यूनिट, बस तीन का गुणा करना है, तीन पंचे पंद्रह, तीन सत्य इक्कीस और एक बाईस, तीन तीन नौ, नौ और दो कितना हुआ ग्यारह, तीन अट्ठे चौबीस और एक पच्चीस, पच्चीस एक सौ पच्चीस क्या ऑप्शन में है जल्दी से बताइए। जी बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का मित्रों करेक्ट आंसर बन जाएगा। सर आपकी स्क्रीन साफ नहीं दिखती है, सचिन गोस्वामी जी एक बार अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, स्क्रीन तो साफ दिखना चाहिए दोस्तों, स्क्रीन तो साफ दिखना चाहिए, स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी अपने कैमरे उसकी फोन की क्वालिटी को बढ़ाइए सचिन जी। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे, बताइए यहां तक सबको क्लियर है, बताएंगे यहां तक सबको क्लियर है क्या? प्राची शुक्ला जी का ए आंसर आया, वेरी गुड प्राची जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपने ए आंसर किया। चलिए बट आप अपने क्वेश्चन के आंसर को सुधारिएगा, सॉरी ए आंसर नहीं है, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी है। ओके चलिए आगे की तरफ जब बढ़ोगे तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे, कुछ नहीं होता है ऐसे क्वेश्चनों में, बहुत अच्छे तरीके से आप अपने क्वेश्चनों को कर सकते हो। सर थोड़ा धीरे चलो, ठीक है भैया धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा आप बताएंगे वैसे चलेंगे हम, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। दिनेश रजक जी नहीं, चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जी। सर मेरे फोन में भी नहीं अच्छी दिख रही, अच्छा जी फ्रीक जी कह रहे हैं मेरे फोन में भी, चलिए हम अपनी टेक्निकल टीम से बात कर रहे हैं कि अगर बच्चों को क्वालिटी अच्छे से नहीं दिख रही तो एक बार देखेंगे, टेक्निकल टीम हमारी पूरी देख रही है कि भाई आपको क्यों नहीं अच्छे से दिख रहा है। चलिए चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ो, तब तक हमारी पूरी टेक्निकल टीम आपके इस स्क्रीन के जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन करने में लग रहे हैं। इधर देखो, ए एवं बी क्रम से 3000 रुपए पी रुपए के निवेश से साझा व्यापार आरंभ करते हैं। देखो ए ने कितना पैसा लगाया 3000 रुपए और बी ने कितना पैसा लगाया पी रुपए, ओके, और इन्होंने व्यापार को शुरू कर दिया आरंभ में, आरंभ से 6 माह के बाद, आरंभ से शुरुआत से 6 महीने के बाद बी अलग हो जाता है। तो देखो दोस्तों पहले इस कहानी को समझो बहुत अच्छे तरीके से, एक तो ए है और दूसरा कौन है बी है। देखो मित्रों ए ने कितना पैसा लगाया अपना, ए ने पैसा लगाया 3000 रुपए, ओके चलिए बी ने कितना पैसा लगाया दोस्तों पी रुपए लगाया, बी ने कितना पैसा लगाया पी रुपए लगाया, ओके दोस्तों। सचिन भाई स्क्रीन साफ करो, हमें तो ठीक, चलिए आ जाइए सब लोग इधर देखेंगे, इधर देखो अब इधर देखो आगे की तरफ बढ़ो, आगे क्या बोला जा रहा है, ए ने 3000 रुपए लगाया, बी ने पी रुपए लगाया व्यापार में, आरंभ के 6 माह के बाद बी अलग हो जाता है, कितने महीने के बाद, 6 महीने के बाद बी क्या हो जाता है अलग हो जाता है। तो इसने बी ने 6 महीने तक ही तो पैसा लगाया होगा, जी बिल्कुल, और 6 महीने तक ही जब इसने पैसा लगाया तो 6 महीने का इसको प्रॉफिट मिलेगा, जी बिल्कुल मिलेगा। चलिए अब आप आगे की तरफ बढ़ो, बी अलग हो जाता है एवं सी एक निश्चित निवेश के साथ ए का साझेदार बन जाता है। अब भैया जैसे बी अलग हुआ सी आ गया, सी ने कहा कि हम आपके साझेदार हो जाते हैं, ए से बोला बिल्कुल, ए ने कहा ठीक है साझेदार हो जाइए आप। क्या होता है एक वर्ष के अंत में वार्षिक लाभ उनके लाभांश के संगत अनुपात में 5:4:3 था, ओके दोस्तों। चलो देखो इसने जो सी ने जो पैसा लगाया अपना, कुछ पैसा लगाया होगा एक्स यूनिट पैसा लगाया, ओके दोस्तों, और इसने कितने महीने के लिए लगाया, अब भाई ये कितने महीने के बाद आया था, 6 महीने के बाद आया, तो 6 महीने के लिए इसने पैसा लगाया होगा और इसने पूरे 12 महीने के लिए पैसा लगाया, लगाया कि नहीं लगाया। चलिए दोस्तों अब आप आगे की तरफ बढ़ोगे, जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो इसको कैलकुलेट करो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बन गया, जी बिल्कुल बन गया, अभी ये प्रॉफिट का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा, चलिए आ जाओ दोस्तों हम अभी आप सबके कमेंट को पढ़ेंगे। देखो 6 से 6 कैंसिल आउट, 6 2 12, ओके मित्रों। चलिए अब ये क्या बन गया, 3 × 2 = 6000 बन गया, यहां पर बन गया 6000 और यहां पर कितना बन गया पी और यहां पर कितना बन गया सी का कुछ पैसा एक्स होगा, ओके चलो। और क्वेश्चन ने ये बोल दिया कि इनके लाभांश का अनुपात क्या है, 5:4:3 है, तो सी ने कितनी धनराशि निवेश की थी। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग ए ने कितना पैसा लगाया, देखो ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो दिया जा रहा है, वो क्या है प्रॉफिट का रेशियो 5:4:3, ओके। अब देखो दोस्तों इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट ही तो होता है मित्रों, बताइए आप लोग, जी बिल्कुल होता है, मेरे अकॉर्डिंग तो 5 यूनिट उसको प्रॉफिट हो रहा है, किसको ए को, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है 6000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी से बता दो, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1200 आ जाएगी। आप एक बात बताइए,
एक यूनिट की वैल्यू 1200 है तो तीन यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 24, 12 तीया 36, क्या हो जाएगी 3600। तो बताइए क्या सी ने 3600 रुपए लगाया होगा? जी बिल्कुल लगाया होगा। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। बताइए मेरे दोस्तों यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उसको फिर से समझा देंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि इस बार मेरे मित्रों का बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो पाए। उमाकांत पटेल जी ने अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है और सभी बच्चे सेशन को शेयर करेंगे अच्छे तरीके से। बबीता कुमारी का आंसर ए आया, वेरी गुड बबीता। सचिन गोस्वामी 3600 आंसर दे रहे हैं। सालो जी का, सर जी नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा एडजस्ट करिए आज। ओके चलिए, प्राची शुक्ला जी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंकुश जी क्या प्रॉब्लम है आपको? अंकुश जी बताइए, नहीं सर कह रहे हैं तो बताइए अंकुश जी क्या प्रॉब्लम है, जल्दी से बताएंगे। वेरी गुड, विवेक कुमार का भी करेक्ट आंसर आया। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन को भैया आंसर में बदल दीजिए। बिट्टू कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो सर जी। हाँ जी बिट्टू, अपने क्वेश्चन को पढ़ो और अपने क्वेश्चन का आंसर करो मेरे मित्र, मेरे भाई, अपने क्वेश्चन का आंसर करो। सब लोग सेशन को धमाकेदार तरीके से शेयर करेंगे, क्योंकि आज की लाजवाब चीज़ें हैं और लाजवाब चीज़ों को भैया समझने के लिए अच्छे तरीके से आप कोशिश करिए और पेन और पेपर लेके बैठिए आप अपने क्वेश्चन का जवाब करने के लिए। आ जाओ मित्रों, इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं और बारीकी से समझना। सब लोगों का फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए। सर मेरा भी सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है खेता जी, बहुत अच्छी बात है। इधर देखो, पी ने 38,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, एक व्यापार शुरू किया पी ने, जिसमें 38,000 रुपए पी ने लगा दिए। कितने पी ने पैसे लगाए? पी ने पैसे लगाए 38,000। कितने दोस्तों? 38,000। ओके दोस्तों चलो आगे की तरफ। 5 महीने के बाद क्यू ने 55,000 रुपए के साथ व्यापार में शामिल हो गया, यानी कि क्यू भैया 55,000 रुपए लगाकर कितने महीने के बाद? 5 महीने के बाद शामिल हुआ है। और व्यापार कितने दिन तक चला मित्रों? व्यापार कितने दिन तक चला? वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में इसका मतलब ये हुआ एक वर्ष तक व्यापार चला, एक वर्ष तक व्यापार चला दोस्तों। तो एक बात बताइए, जब एक वर्ष तक व्यापार चलेगा और जो क्यों है ना वो 5 महीने के बाद आया, तो भाई एक साल में 12 महीने होते हैं, जब 5 महीने के बाद आया तो 7 महीने तक तो व्यापार में रहा होगा। जी बिल्कुल। और पी कितने दिन तक रहा होगा? पूरे 12 महीने, क्योंकि पी ने व्यापार को शुरू किया था। अब मित्रों एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, क्या ये प्रॉफिट के रेशियो बन गए? क्या ये प्रॉफिट का रेशियो बन गया मित्रों? अब आप कैलकुलेट कर लो, ये तीनों जीरो यहां से पहले ही कलेक्ट कर लो, इसे हटा दो, दोनों में कॉमन है, हटा दो। ओके दोस्तों चलिए, अब आप आगे की तरफ बढ़ोगे। जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके दोस्तों चलिए, जब यहां हम देखेंगे तो कोई कट नहीं रही है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं जो कट रही हो। आ जाओ, 12 8 96, ओके 9 कैरी हो गया। अब 12 दूनी 24, 12 3 36, और 36 में जब आप 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 46। बट 10 नहीं जोड़ना है, 9 जोड़ना है, इसका मतलब 356 हो जाएगा। ओके दोस्तों चलिए आगे की तरफ। अब देखो, 7 5 35, 35 और 3 कितना हुआ? 38, 385 हो गया। हो गया दोस्तों? जी बिल्कुल। अब आप समझो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। पी और क्यू के मुनाफे के शेयरों के बीच में अंतर बताना है और टोटल लाभ कितना है? 25,230। टोटल लाभ कितना है दोस्तों? 25,230। मेरे अकॉर्डिंग टोटल लाभ कितना है? अगर हम टोटल लाभ की बात करेंगे तो 6 और 5 11, 8 और 5 13 और 1 14, ओके 3 और 3 6 और 1 7, मेरे अकॉर्डिंग 741 टोटल लाभ है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 25 23 और 0। ओके तो एक यूनिट की यहां से हम वैल्यू निकालेंगे। अब देखो, 3 7 21 3 6 12 3 7 21, 3 से तो नहीं कटेगा। अब जरा देखो कितने से कटेगा, 13 13 13 6 52 नहीं जाएगा। अब भाई कितने से कट जाएगा, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे दोस्त ये देखो यहां पर कितना बनना चाहिए, यहां 24 के आसपास आना चाहिए। 3 7 21, 3 से तो नहीं आएगा। 4 से देखो, 4 से देख रहे हो तो 4 से नहीं आ रहा है। अगर हम 16 से देखें तो 16 से नहीं आएगा। 13 से देखो, 13 1 13 13 6 52 ज़्यादा हो जाएगा, 13 7 91 ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। अगर आप देखोगे 6 से भी नहीं आएगा। एक सेकेंड अगर आप देखोगे, आ जाओ इसको देख रहे हैं हम लोग। अगर हम 3 से कर रहे हैं तो 3 1 3 3 6 12, 3 7 21 और 1 22 बन जाएगा, 3 से तो नहीं बनेगा। एक मिनट रुकना दोस्तों, 12 8 96, 12 6 48, 12 8 96, 9 कैरी हुआ, 12 2 24, 12 3 36, 37 38 39 40 41 42 43 44
एक सेकंड दोस्तों, यहाँ कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है? एक मिनट इधर आ जाओ, एक बार फिर से कैलकुलेट कर ले रहे हैं। 12 8 96, ओके 9 कैरी हुआ। अब देखो 12 2 24, 12 3 36, 36 और 10 कितना हुआ? 12 2 24, 12 3 36 और 10 46, 46 में से एक कम हुआ, 45 आएगा दोस्तों यहाँ पर, 35 नहीं आएगा, थोड़ा सा यहाँ पे 45 की जगह पे 35 हो गया था। अब देखो इधर 5 7 5 35, 35 और 3 कितना हुआ? 38। अब आप इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 6 और 5 कितना हुआ? 6 और 5 11 हुआ, 8 और 5 13, और एक कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा दोस्तों। अब देखो 7 और 1 कितना हो जाएगा? 7 और 1 8 हो जाएगा, 841 होगा दोस्तों, होगा कि नहीं? अब देखो वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है? 25,230 है। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, 8 3 24, अब हो जाएगा 3 बार ये पूरा पूरा कटेगा। जी बिल्कुल, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई, देख लो। अच्छा 3 1 3 3 4 12, 3 8 24 और 1 25, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। इधर देखो एक यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। जी बिल्कुल, पी और क्यू के मुनाफे में शेयरों के अंतर बताइए, तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है? बस ये अंतर बताना है। पी को कितना मिलता है? 456 यूनिट का प्रॉफिट मिलता है, और क्यू को कितना मिलता है? 385 यूनिट का प्रॉफिट मिलता है। इन दोनों के बीच में जब हम अंतर देखेंगे तो देखो दोस्तों क्या आ जाएगा, 1 6 में से 5 गया 1 और 15 में से 8 गया 7, 71 यूनिट का ही तो आएगा अंतर। देख लो फिर से, देखो अगर हम 456 में से इसे घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1 और 15 में से 8 गया 7, ओके दोस्तों, इनटू क्या कर देंगे? 30, जिससे कि हमें पता चल जाएगा 0 3 1 3 3 7 21। क्या 2130 आपके ऑप्शन में है? जी बिल्कुल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा मित्रों। आई होप आप अपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। बताइए दोस्तों यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड दोस्तों, वेरी गुड, बिट्टू कुमार का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, खेता जी को बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, उमाकांत पटेल, बबीता कुमारी, सभी बच्चे अपने क्वेश्चन का करेक्ट, पटेल बबीता कुमारी सभी बच्चे अपने क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कर रहे हैं, सभी बच्चे अपने क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। विवेक कुमार, वन मोर रिपीट। अच्छा जी दोस्त, आप समझ लेंगे एक बार अच्छे से, देख लो अगला क्वेश्चन आ चुका है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से आप देखेंगे, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बहुत छोटा क्वेश्चन है आपके लिए, आप स्टेप बाय स्टेप जब चलोगे ना तो आपको 100% क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो चीजें बहुत आसानी से आप समझ पाओगे। आ जाओ दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, सभी बच्चे सेशन को शेयर करेंगे अच्छे तरीके से, सभी बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे अच्छे तरीके से और जुड़ जाएंगे धमाकेदार सेशन में। हरिओम मीना जी ककरोड़, सर आपकी यह वीडियो लाइव के बाद यूट्यूब पर रहती है क्या? हाँ रहेगी यूट्यूब पर, बट लाइव देखने का मजा कुछ और होता है, जिससे आप अपने डाउट को क्लियर कर पाओगे। ए बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया, ए बी और सी ने एक साझेदारी में प्रवेश किया, ए ने 2560 रुपए का निवेश किया, बी ने कितना किया? 2000 रुपए निवेश किए, ठीक। ए ने कितना निवेश किया? 2560 रुपए, कितना लगाया धन? 2560 रुपए का, 2560 रुपए लगा दिए स्टार्टिंग में अपने व्यापार में दोस्तों। आगे क्या होता है? और बी ने कितना लगाया? 2000 रुपए लगा दिए व्यापार में, कितने लगा दिए मित्रों? सभी सेशन को अच्छे तरीके से लाइक और शेयर करते रहेंगे, 2000 लगा दिए। और क्या होता है? वर्ष के अंत में उन्हें 1105 रुपए का लाभ होता है, वर्ष के अंत में उन्हें 1105 रुपए का लाभ होता है, जिसमें से ए को 320 रुपए मिला, ए को कितना मिला? 320। तो सी की पूंजी बताओ, जिसमें से ए को 320 मिला तो सी की पूंजी बताओ। आ जाओ दोस्तों सी की पूंजी हम बताएंगे। सी ने मान लो 100 रुपए लगाए होंगे व्यापार में स्टार्टिंग में, और दोस्तों देखो कोई ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम के बाद आ रहा हो, सभी ने व्यापार में जब व्यापार की शुरुआत की तो सब लोग समान समय पर थे, इसका मतलब टाइम यहां पर क्या है? इक्वल है, और टाइम इक्वल है तो इसका मतलब ये रेशियो किसका बन जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा। अगर टाइम इक्वल होता है दोस्तों तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। एक जीरो से अगर आप काटोगे तो बटिया नहीं काट पाओगे, ठीक है, तो इसलिए आप यहां काटेंगे नहीं, ठीक है। 2560 ज्यों का त्यों रखेंगे, 2560, ओके दोस्तों। चलिए अब देखो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो देखो ए को 320 रुपए लाभ मिला। अब देखो उन्होंने क्या बोला, वर्ष के अंत में 1105 रुपए का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ? 1105 रुपए का लाभ हुआ। देखिए दोस्तों जब 1105 रुपए का लाभ होगा आपके अकॉर्डिंग कितना लाभ है? 4560 प्लस x, 4560 प्लस क्या है? x है,
यही तो टोटल लाभ है। देखो 2560 और 2000 कितना हो जाएगा, 4560 और प्लस ये, यही तो प्रॉफिट है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 1105, यही तो है जी, बिल्कुल है। अब आप क्या करेंगे भैया, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें। बट इस क्वेश्चन में ये भी दे दिया जिसमें से ए को 320 रुपए मिला, कितना मिला, 320। तो ए को 320 मिला, भैया ए को जब 320 मिलेगा तो आप एक बात बताइए दोस्तों, यहीं पर आप एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर ए को 320 रुपए मिला, मेरे अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है, 2560 रुपए मिल रहा है, कितना 2560, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 320, तो 2560 के बराबर होगा कि नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो, जीरो से जीरो। अब देखो अगर हम देखेंगे कितने से कट जाएगा, 4 × 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24 और 1 = 25, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8, एक यूनिट की वैल्यू 8 आ गई, जी बिल्कुल दोस्तों। अब देखो सी की पूंजी बतानी है, तो जब सी की पूंजी बतानी है मेरे मित्रों, तो आप एक बात बताओ, आप हमें एक बात बताइए कि भाई एक यूनिट की वैल्यू इसमें इतनी दी जा रही है और 1105 रुपए का लाभ है, वर्ष के अंत में उन्हें 1105 रुपए का लाभ मिलता है, टोटल टोटल कितना मिलता है 1105। एक बात बताइए, जब 2000 इसने निवेश किए, 2560 इसने निवेश किए, तो 1105 कैसे हो जाएगा टोटल, टोटल बताइए दोस्तों, 1105 रुपए लाभ हुआ उनको। तो अगर हम देखेंगे एक यूनिट की वैल्यू इतनी है दोस्तों, जब आप एक यूनिट की वैल्यू देखोगे तो मेरे अकॉर्डिंग तो इससे ज्यादा मिलना चाहिए, 8 × 16000 तो इसी का हो गया दोस्तों। कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर है इस क्वेश्चन में दोस्तों, कहीं ना कहीं टाइपिंग एरर है। आंसर अब क्योंकि ऑप्शन में 8420 है। एक बात बताओ दोस्तों, एक बात बताइए, एक यूनिट की वैल्यू तो आ गई, अगर हम सी की बात करेंगे दोस्तों ना, अगर हम सी की बात करेंगे तो इन दोनों की अगर हम बात कर लें तो इन दोनों का यही तो प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए अगर हम एट कह रहे हैं कि इसको 320 मिला, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू 8 आ गई, अगर हम 8 से इसे भाग कर दें तो भैया कितना आ जाएगा, इसे 320 इससे 8 से अगर हम भाग कर रहे हैं तो कितना बन रहा, 8 × 8, 8 × 16 कितना बचा, 8 × 5 = 40, 250 इसे मिल जाएगा, 250 इसे मिल गया और 320 इसे मिल गया, 320 250, तो बाकी का कितना होगा, 1105 ही तो है जी बिल्कुल। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 0, 7 और 5, आपको घबराना नहीं है, हम दूसरे मेथड से भी बता देंगे इसको, इधर देखो 570, तो कितना बन जाएगा 5 और यहाँ पर बनेगा 3, यहाँ पर 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5, तो 535। देखो दोस्तों इस अकॉर्डिंग में अगर आप चलोगे ना, 535 × 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40 और 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 28, 8 × 5 = 40, 42 = 42, वैसे तो 4280 बनेगा दोस्तों, वैसे 4280 बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्या बनेगा 4280, कितना बनना चाहिए 4280 दोस्तों। लेकिन एक बात बताइए हमें, एक बात बताने की कोशिश करिए, एक बात बताइए, टोटल 1105 रुपए का लाभ है। अब आप यहां देख रहे हो कि भैया मेरे अकॉर्डिंग 320 रुपए किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग जब 320 ए को मिल रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू जब हमने देखी मेरे अकॉर्डिंग तो 320, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम देख रहे हैं तो 1/8 आ जाएगा, तो हमने 8 से भाग किया तो बी का कितना निकल के आया, 8 से भाग करने पर 250 प्रॉफिट उसका हो गया, 320 प्रॉफिट ए का हो गया, तो टोटल प्रॉफिट कितना था 1105, 1105 में से हमने टोटल ए और बी के प्रॉफिट को घटाया तो कितना आया 535, और 535 को हमने 8 गुना कर दिया, क्योंकि 8 गुना करोगे वही तो धन होगा जी बिल्कुल। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो 4280 रुपए बनेगा दोस्तों। आ जाओ अब इस बात को एक बारीकी से समझना मेरे साथ, फिर से इसी बात को समझेंगे आप लोग, इसी बात को, जिससे कि कंफ्यूजन की स्थिति बच्चों की दूर हो पाए। देखो दोस्तों इधर समझो, आ जाओ सब लोग, देखो मेरे अकॉर्डिंग जो लाभ है ना ए को कितना मिल रहा है, 2560 रुपए का लाभ मिल रहा है मेरे अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना लाभ है, 320 रुपए का लाभ है, कितने का है 320, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 320 × 2560, ओके दोस्तों जी बिल्कुल। अब आप बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बी का लाभ बताइए, तो यहां से हम क्या करेंगे, जीरो से जीरो काट लेंगे, ये काटेंगे तो 8 बार पूरा पूरा कट जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू जो है ना वो 1/8 आ जाएगी। तो भाई मेरे आप बी की वैल्यू पहले बताओ कि बी को कितना लाभ मिलेगा, तो जब हम बी की बात करेंगे तो भाई 2000 को हम भाग करेंगे कितने से, 1/8 से गुणा करेंगे, इस तरीके से। क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम इसलिए कर रहे हैं एक यूनिट की वैल्यू 1/8 है, जब हम यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल
निकालेंगे तो 8 × 2 = 16, 8 × 5 = 40 और 0 250 आ जाएगी। जी बिल्कुल मित्रों, 320 रुपए प्रॉफिट मिल रहे हैं किसको, 320 रुपए प्रॉफिट मिल रहे हैं किसको, ए को। 250 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है किसको, सी को। ओके दोस्तों, वो सॉरी बी को। तो सी को कितना मिलेगा, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 570। अगर हम 1105 में से 570 घटाएंगे मित्रों तो कितना आ जाएगा, 535। अब देखो 535 जब उसे प्रॉफिट मिलेगा तो इसका 8 गुना उसने धन लगाया होगा, तो इसका 8 गुना कितना हो जाएगा, 4280। ओके दोस्तों, चलो आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अब आप अगले क्वेश्चन का जवाब करेंगे। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था पीछे वाला, इसके लिए घबराना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था और हो जाता है कभी कभी, कोई क्वेश्चन आता है ऐसा कंसेप्चुअल कराना, वो भी जरूरी था। आ जाइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की दुनिया में, आप लोग अगले क्वेश्चन की दुनिया में आ चुके हो, थोड़ा सा कंसेप्चुअल पिछला क्वेश्चन था इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है, आप इस क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए बी और सी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, ए पूंजी का 1/3 योगदान देता है, ए पूंजी का कितना योगदान देता है, 1/3, जबकि बी उतना ही योगदान देता है जितना ए सी मिलकर योगदान करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 900 रुपए का लाभ होता है तो सी को क्या होगा, सी को क्या होगा। देखो दोस्तों ए बी और सी कितने पर्सन है मित्रों, 3 पर्सन है, ए बी सी कितने पर्सन है, 3 पर्सन है। इसमें होता क्या है, ए बी सी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, ए पूंजी का 1/3 योगदान देता है, यानी कि योगदान करता है, ए पूंजी का 1/3 योगदान करता है, जो टोटल पूंजी है ना उसमें 1/3 हिस्सा किसका होगा, ए का होगा। ओके चलिए मित्रों एक बात बताइए, 1/3, 1/3 कौन देता है, ए देता है। आगे क्या बोला गया, जबकि बी उतना ही योगदान देता है जितना ए पिल और सी मिलकर योगदान करते हैं। तो देखो दोस्तों बी कितना देता है, उतना ही योगदान करता है जितना ए प्लस सी मिलकर करते हैं। इसका मतलब ए प्लस सी जो योगदान करते हैं, तो ए प्लस सी जो योगदान करते हैं उस उन दोनों ए और सी जितना योगदान करते हैं उन दोनों के योग के बराबर कौन करेगा योगदान, बी करेगा। ओके अब आगे बढ़ो, यदि वर्ष के अंत में 900 रुपए हो जाता है, क्या होता है, लाभ कितना होता है दोस्तों, 900 रुपए का लाभ होता है। जी बिल्कुल मित्रों बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग खेल रहे हैं, आ जाओ। अगर हम बात करें कि 3 क्या है, टोटल है, तो एक किसने दे दिया, एक यूनिट दे दिया किसने, पैसा ए ने। जब एक यूनिट पैसा दोस्तों ए ने दिया है तो आप हमें जल्दी से ये बताओ, जब एक यूनिट पैसा ए ने दे दिया तो बाकी पैसा किसने दिया होगा मित्रों, बाकी पैसा किसने दिया होगा, जल्दी से बताइए आप हमें। एक यूनिट इसने दे दिया तो बाकी पैसा किसने दिया होगा, एक यूनिट इसने दे दिया तो बाकी पैसा किसने दिया होगा। अब देखो इधर देखो, एक किसने दिया, एक किसने दे दिया, ए किसने दे दिया, देखो इधर समझो, फिर से समझ लो, 1/3 कौन निवेश करता है, ए करता है। तो 3 को आप टोटल मान लो, 3 को टोटल मान लो, जिसमें से एक कौन निवेश कर रहा है, एक ए कर रहा है, और इतना ही निवेश कौन करेगा, सी करेगा। तो बीज कितना करता है, इन दोनों के योग के बराबर, इन दोनों के सम के बराबर, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2। देखो टोटल 3 यूनिट पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जी बिल्कुल हो गया मित्रों। अब आप आगे की तरफ बढ़ो, अब आगे क्या बोला जाए, वर्ष के अंत में लाभ कितना होता है, 900 रुपए। मेरे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना है, मेरे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना है, 4 कितना है दोस्तों, जल्दी से बताओ, 4 यूनिट बन जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग टोटल प्रॉफिट कितना बन जाएगा, 4 यूनिट, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड, आपसे क्वेश्चन ने ये कहा था कि 1/3 वो देगा, 1/3 जब ये देगा दोस्तों, तो 1/3 ये देगा, और आगे क्या बोला जा रहा था दोस्तों, आपसे ये बोला जा रहा है ए और बी के धन के 2 गुना ये देता है। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, जब इसने जो पैसा दिया है, इसने जो पैसा दिया है, आप ऐसे समझोगे, इधर समझो, ऐसे समझो दोस्तों, जैसे मान लीजिए ए ने 2 यूनिट धन दिया और सी ने 1 यूनिट दिया, तो ये कितना देगा, बी कितना देगा, इन दोनों के धन के योग के बराबर ही तो देगा, 3 देगा कि नहीं देगा। जी बिल्कुल, हमने ऐसे मान लिया। देखो दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया था, क्वेश्चन में ये बोला गया, एक पूंजी का 1/3 योगदान देता है, 1/3 कौन योगदान देगा, जब 1/3 ये देगा तो 2 हिस्से बचे हुए होंगे, 2 हिस्से बचे हुए होंगे कि नहीं बचे हुए, जी बिल्कुल। तो हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब हम देखेंगे, टाइम इक्वल है इसलिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा, तो 6 यूनिट बना, जी बिल्कुल बना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 900 है, जी बिल्कुल है। तो अब दोस्तों क्या करोगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, तो 6 × 6 =
छः एकम छः, छः पंचे तीस, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। या आप ऐसे भी कह सकते हो, 1/3 900 के बराबर है, तो वहां से भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। एक यूनिट की वैल्यू 150 आ गई। सी का योगदान बताना है, सी को क्या मिलेगा, तो सी को कितना मिलेगा, एक यूनिट के बराबर मिलेगा, तो 150 मिलेगा। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। हम फिर से समझा देंगे अगर बच्चों आप सबको क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार हमें कमेंट करके बताइए, क्या कहीं किसी को डाउट तो नहीं है, एक बार हमें कमेंट करके बताइए, किसी को डाउट तो नहीं है, अच्छे तरीके से बताइए दोस्तों, अच्छे से बताएंगे सभी बच्चे, क्या किसी को डाउट तो नहीं है। इधर देख लो एक बार फिर से समझ लो, इधर देखो क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़ते हैं। ए बी सी एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, ए पूंजी का एक तिहाई योगदान करता है, यानी कि ए जो है ना वो पूंजी का एक तिहाई योगदान करता है, टोटल का 1/3 कौन करता है, 1/3 एक तिहाई पूंजी का, पूंजी मान लो कुछ भी जो ए है वो पूंजी मान ले रहे हैं हम एक्स, तो एक्स का 1/3 कौन करता है, ए करता है। ओके चलो आगे की तरफ बढ़ो, जबकि बी उतना ही योगदान देता है जितना ए प्लस सी मिलकर योगदान देते हैं, कौन कौन देता है, ए प्लस बी, जितना वो बी उतना योगदान देगा जितना ए प्लस बी मिलकर देंगे, तो ए प्लस बी मिलकर कितना दे देंगे, 3 और 1 4, जब दोस्तों 3 दे देंगे, ए प्लस बी मिलकर कितना दे देंगे, 3 दे देंगे, जिसमें से एक हिस्सा सी का होगा और दो हिस्सा किसका होगा ए का, तो बाकी का और जो ये बी दे रहा है ना इन दोनों के सम के बराबर दे रहा है 3 यूनिट। ओके दोस्तों आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके, हाँ सर नेक्स्ट समझ आ गया, वाह चलिए बहुत अच्छी बात है सर, मेरा भी सही है, वेरी गुड, आगे की तरफ बढ़ो। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास ही रहेगी। ओके चलिए, एक साझेदारी में ए समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 निवेश करता है, 1/6 समय के लिए 1/6 का निवेश करता है। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन गया, ए बी और सी 3 पर्सन है, तो देखो ए समय के 1/6 के लिए, ए जो है ना वो समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 निवेश करता है, तो 1/6 के लिए 1/6 का क्या करता है, निवेश करता है। आगे बढ़ो, बी समय के 1/3 के लिए पूंजी का 1/3 निवेश करता है, और सी शेष पूंजी का, इधर समझो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बन चुका है ये भी, इधर देखो ए जो है ना ए समय के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6, तो 6 टोटल समय है आपके अकॉर्डिंग, टोटल समय कितना है 6, और देखो ये समय ले रहा है 1/6 और ये समय ले रहा है कितना 1/3, तो टोटल समय आप 6 मान लो, टोटल निवेश भी कितना मान लो 6 मान लो, जिसमें से एक यूनिट टाइम कौन दे रहा है, ए दे रहा है, और एक यूनिट ही पैसा लगा रहा है। ओके दोस्तों आगे बढ़ो, बी क्या करता है, टोटल समय आपने 6 माना, टोटल धन भी आपने 6 माना। ओके दोस्तों क्योंकि डिनोमिनेटर ही बेस बन जाता है। अब देखो बी कितना करता है, समय 3 × 6 2 यूनिट समय लगाता है। ओके दोस्तों बी समय के 1/3 के लिए पूंजी का 1/3 का मतलब 2 यूनिट ही पैसा लगाता है। ओके दोस्तों अब देखो दोस्तों, 1 यूनिट समय यहां चला गया, 3 यूनिट समय का यूज हो गया, समय कितना बचा 3 यूनिट, टोटल समय 6 यूनिट ही तो था जी बिल्कुल, 1 यूनिट पैसा यहां लगा दिया, 2 यूनिट पैसा यहां लगा दिया, कितना यूनिट पैसा बचा 3 यूनिट, क्योंकि टोटल 6 यूनिट पैसा था। ओके मित्रों चलिए अब आप एक बात बताओ हमें जल्दी से, अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर हम इनके प्रॉफिट का रेशियो देखेंगे तो क्या बन जाएगा, 1:4 और क्या बन जाएगा 9। ओके दोस्तों चलिए क्वेश्चन में ये बोला गया 4600 रुपए के लाभ में बी का हिस्सा बताओ, टोटल कितना लाभ है 4600 का, तो देखो दोस्तों कितना हो जाएगा 10 और 4 14 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा 4600 के। ओके तो देखो 4600 के लाभ में किसका हिस्सा बताना है, बी का हिस्सा, 14 × 28 = 42 कितना बचेगा मित्रों जल्दी से बताइए, 42 के बाद 4 बचेगा 14 × 28, एक सेकंड अगर आप अपने क्वेश्चन को देखोगे दोस्तों तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, और बिल्कुल यहां तक आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, तो भाई मेरे क्वेश्चन ने ये बोल दिया था कि जो सी ने पैसा लगाया ना एक यूनिट के लिए सी ने कितने समय के लिए लगाया, सी ने क्या बोल दिया था, सी ने ये बोला था कि सी ने शेष पूंजी
पूरे समय के लिए लगाई। अच्छा दोस्तों यहां देखो दोस्तों, आपसे ये बोल दिया था पूरे समय के लिए लगाई, पूरा समय का मतलब 6 यूनिट समय के लिए। ओके तो यहां 6 18 बन जाएगा फिर तो दोस्तों, 18 बन जाएगा तो 18 बनेगा तो 18 दो 20, 20 दो 22 और एक कितना बन जाएगा 23 बन जाएगा। यहां 23 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 4600 के, जो सीने पैसा लगाया ना शेष पूंजी पूरे समय के लिए, तो पूरा समय कितना था 6 यूनिट समय था, तो सीने जो पैसा लगाया वो पूरे 6 यूनिट समय के लिए लगाया है। तो 23 दूनी 46, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 200, एक यूनिट की वैल्यू 200 आ गई। तो बी का हिस्सा बता दो, तो बी का हिस्सा कितना है मित्रों जल्दी से बताओ, बी का हिस्सा कितना है, यही 4 तो है जी बिल्कुल, तो 4 दूनी 8, 800 आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा मित्रों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप अपने क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। बताइए कहीं किसी को कोई डाउट, कहीं किसी को कोई डाउट, देखो फिर से समझा दें। एक साझेदारी में एक व्यापार शुरू हुआ जिसमें ए ने, ए समय के 1/6, टोटल समय कितना है 6 यूनिट समय है, उसमें एक समय के लिए ए पैसा लगाता है, तो समय हमने एक यहां लिख लिया। अब देखो दोस्तों, और पूंजी का 1/6, पूंजी का 1/6 का मतलब 6 टोटल है पूंजी, उसमें से एक पूंजी कौन लगाता है ए। अब देखो एक यूनिट समय है, एक यूनिट पूंजी है, ओके दोस्तों यही प्रॉफिट का रेशियो बन गया जी बिल्कुल। अब बी क्या करता है, बी 1/3 समय के लिए, टोटल 6 समय है, 1/3 समय कितना बनेगा 2, और 1/3 ही निवेश करता है, तो टोटल 6 यूनिट पैसा है उसमें से 1/3 तो 2 बनेगा। अब बचा कितना, देखो दोस्तों 3 यूनिट पैसा उसने यूज कर लिया, तो कितने यूनिट पैसे बचे होंगे, 3 यूनिट ही तो बचे होंगे जी बिल्कुल। अब समय टोटल समय के लिए सी लगा रहा है, बचे हुए समय के लिए नहीं, टोटल समय के लिए। तो दोस्तों आप अपने क्वेश्चन को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। नो डाउट, खेता सिंह कह रहे वेरी गुड सर, आपकी सारी क्लास आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी क्या? हरिओम जी बिल्कुल मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप अपने चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, और जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी क्लास मिलेंगी, 1 से लेकर लास्ट तक की सारी क्लास है। आ जाओ अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ रेशियो बना हुआ है 1:3:5 के रेशियो में है ये। आप जल्दी से आप अपने क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, और पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चन का जवाब करेंगे। सभी भैया पढ़ेंगे तभी आंसर का जवाब, तभी आंसर करेंगे। सचिन गोस्वामी 3 यूनिट जी बिल्कुल, 3 यूनिट। सालू जी बिल्कुल करेक्ट आंसर 800 ही होगा। ऑल सुपर हिट क्लास अच्छी, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अपने क्वेश्चन का आंसर करिए, आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, तो किसी को घबराना नहीं है, किसी को घबराना नहीं है, आप टिके रहना, अच्छे तरीके से अपनी चीजों को समझते रहना। जब तक समझोगे नहीं दोस्तों कैसे कर पाओगे, अच्छा ये बताओ, जब तक समझोगे ही नहीं तो कैसे कर पाओगे। चलो आ जाओ सब लोग बारीकी से फोकस करो फिर से। एबीसी ने एक व्यापार अपना व्यापार में अपना निवेश 1:3:5 के अनुपात में करके आरंभ किया। देखो दोस्तों ए बी, सब लोग बोर्ड की तरफ फोकस रखना, 110% क्लियर होगा आपको। देखो ए बी सी तीन लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, ए ने एक यूनिट इन्वेस्टमेंट किया, ए ने एक यूनिट पैसा लगाया, बी ने 3 यूनिट पैसा लगाया, और सी ने 5 यूनिट पैसा लगाया व्यापार में। ओके दोस्तों चलिए, होता क्या है, 4 माह के पश्चात ए ने उतना ही धन निवेश किया जितना उसे पहले किया था। कितने महीने के बाद, 4 महीने के बाद। तो एक धन तो लगा दिया उसने 4 महीने तक, फिर 4 महीने के बाद क्या किया, एक धन और लगा दिया, तो अब कितना हो गया होगा, 2 धन हो गया होगा। पहले एक यूनिट पैसा लगाया, अब कितना, 4 महीने के बाद एक यूनिट पैसा और लगा दिया, जब एक यूनिट पैसा और लगा दिया तो अब 2 यूनिट पैसा हो गया जी बिल्कुल। अब देखो व्यापार कब तक चलता है दोस्तों, व्यापार कब तक चलता है, वर्ष के अंत में, 1 वर्ष तक चलता है। तो पहले एक यूनिट पैसा लगाया 4 महीने के लिए, तो 2 यूनिट पैसा लगाएगा कितने महीने के लिए, शेष समय के लिए, 4 महीने हो गए, 8 महीने तो बचे पूरे साल कंप्लीट करने के लिए जी बिल्कुल दोस्तों। अब आप आगे बढ़ जाओ, जब आप आगे बढ़ोगे तो बी की कहानी को समझो, बी क्या करता है, बी ने क्या किया, जितना उसने पहले किया था, बी तथा सी ने अपने निवेश का आधा वापस ले लिया। तो बी और सी ने जितना धन पहले लगाया था ना उसका आधा वापस ले लिया, कितने महीने के बाद, 4 ही महीने के बाद। तो 4 महीने तक तो 3 यूनिट पैसा लगा रहा, अब उसने क्या किया, उसमें से आधा पैसा निकाल लिया बी ने, जब निकाल लिया तो 1.5 यूनिट पैसा ही तो बचा होगा जी बिल्कुल, वो कितने महीने चलेगा, लास्ट के 8 महीने। ओके दोस्तों इसी तरीके से सी ने 4 महीने तक तो अपना पूरा 5 यूनिट पैसा लगाया, फिर क्या किया,
फिर क्या किया भैया, आधा पैसा निकाल लिया। जब आधा पैसा निकाल लेगा तो ढाई यूनिट पैसा चलेगा अगले 8 महीने के लिए। ओके दोस्तों, अब आप कैलकुलेट करेंगे बारीकी से, क्योंकि सवाल थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, घबराना बिल्कुल नहीं है। 4 × 4 = 8 × 2 = 16, तो 16 × 4 कितना हो जाएगा 20 यूनिट। यहाँ दो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 20 यूनिट। अब देखो 15 × 8 = 120, यहाँ से कितना बनेगा जल्दी से बताओ, 12 बनेगा। जी बिल्कुल 12 यहाँ से बन गया, और 4 × 3 = 12 यहाँ से बन गया, 24 यूनिट बन गया। जी बिल्कुल दोस्तों, अब देखो 5 × 20 यहां से बन गया। अब देखो 25 × 8 = 220 यहां से बन गया, क्या 40 बना? जी बिल्कुल बन गया दोस्तों। अब आपके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये प्रॉफिट का ही रेशियो तो होगा, बताइए मित्रों क्या ये प्रॉफिट का रेशियो होगा? जी बिल्कुल होगा। अब इसे कैलकुलेट कर लो और सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लो, तो आप कितने से काट सकते हो, कितने से काट सकते हो? अगर हम 2 से काटे तो ये कट जाएगा 2 × 10, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, इसे और भी काट लीजिए 2 × 2 = 4 और भी कट जाएगा ये, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12 और 2 × 3 कितना हो जाएगा 10। क्या अब और कटेगा? अब नहीं कटेगा दोस्तों। तो 5 आपसे क्या पूछा जा रहा था दोस्तों, वर्ष के अंत में उनका लाभ बताइए। तो 6, 5, 10, तो 6, 5 और 10, 5, 6, 10। एक सेकंड रुकना दोस्तों, एक सेकंड। आपने क्या किया था, ए ने कितना लगाया था 1 यूनिट, बी ने लगाया 3 यूनिट और 5 यूनिट, ठीक है। 4 माह के पश्चात ए ने उतना ही धन निवेश किया, ठीक है, 4 माह के बाद उसने उतना ही धन निवेश किया, तो भैया ये बन जाएगा। और क्या होता, बी तथा सी ने अपने आधा धन को वापस ले लिया, तो भैया जब वो आधे धन को वापस लेंगे तो 4 × 3 = 12। अब देखो 15 × 8 = 120 कितना हो जाएगा 12 और 12 24 बन जाएगा। जी बिल्कुल 5 × 20 बनेगा, ठीक है भैया 4 महीने तक ये चला और 8 महीने तक ढाई यूनिट पैसा चलेगा। जी बिल्कुल चलेगा, तो 25 × 8 कितना हो जाएगा 200 बन जाएगा, और 200 का मतलब हुआ 20 और 20 यहाँ से बन जाएगा तो कितना हो जाएगा 40। तो अगर आप देख रहे हो तो काटोगे तो यही तो बनेगा दोस्तों, कितना बनना चाहिए, 2 से काटोगे तो 10, 2 से काटोगे तो 12, 2 × 2 = 4 = 20 बनेगा, 2 से काटोगे तो 5, 6 और 10, तो 5, 6 और 10 बनना चाहिए दोस्तों, 5, 6 और 10 बनना चाहिए। इसमें ऐसा 5, 6 वाला नहीं है, बट इसका सीक्वेंस चेंज हो सकता। आप अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सही कर रहे हैं दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग बिल्कुल सही कर रहे हैं मित्रों। किसी का कोई प्रॉब्लम अगर है तो बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम अगर हो तो बता सकते हो। 8 यूनिट पैसा लगाया था 8 वर्ष के लिए, बाकी का 8, 4, 12 पूरे 12 महीने के लिए लगाया। अगर यहाँ पर कोई कैलकुलेशन अगर करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ एक बार और कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों, एक बार और कैलकुलेट कर रहे हैं, हो सकता है कि इसको कैलकुलेट करने के बाद और आसान दे रहे हो, तो देखो इसको 8 को हटा दो, हो सकता है इस तरीके से अगर वो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो देखो अब कितना बन जाएगा 4 × 4। अगर 3 से देखोगे तो देखो दोस्तों, 2 से अगर देखोगे तो आप क्या करेंगे, 4 × 4 बन जाएगा, 2 × 2, 4 और 2 कितना बन गया 6 बन गया। अब आप आगे की तरफ बढ़ो, 12 और 1 = 13, 13.5 बन जाएगा यहाँ पर भाई, कितना बन जाएगा 13.5। तो यहाँ देखो 8 × 2 = 16, 4 = 20 बन रहा था, ठीक है दोस्तों। अब आप और आगे की तरफ बढ़ो, जब आप और आगे की तरफ बढ़ोगे तो 5 × 20 = 20, 2 = 22, 22.5 बन जाएगा। यहाँ से काट लो 2 × 3 = 6, 2 से कटेगा नहीं। बताइए दोस्तों किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, 4 × 3 = 4, 3 = 4 से तो भाई कटेगा नहीं। कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो यही कैलकुलेशन आनी चाहिए भाई मेरे। आ जाओ एक बार फिर से कर लेते हैं कैलकुलेशन, हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक क्यों हो रही है। आ जाइए इधर देखते हैं, कहीं ना कहीं डेटा तो गलत नहीं है। 4 × 4 अगर करेंगे, 8 × 2 = 16 करोगे तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 ही तो आएगा। जी मित्रों आगे बढ़ जाओ, अगर हम यहाँ कर रहे हैं 4 × 3 = 12, 3 यूनिट पैसा है बी का। जी बिल्कुल, तो 4 × 3 = 12 और जब 12 हो जाएगा 1.5 निकाल लेगा, 15 × 8 = 120 भाई, 12 ही तो बनेगा यहाँ पर, और 12 यहाँ पर 24 बनना चाहिए। जी बिल्कुल, अब यहाँ देखो 25 × 8 = 200 का 20 बनना चाहिए और 20 यहाँ से बनेगा, 40 बनना चाहिए दोस्तों यहाँ पर। अगर हम सिंपल रेशियो में कर रहे हैं तो देखो 6 से अगर काटोगे, 5 से काटोगे तो 2 से काटो तो 10 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 12 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 20 आ जाएगा, फिर 2 से काटो तो 2 × 5 = 10 आ जाएगा, 2 × 6 = 12 आ जाएगा, और 2 × 3 कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 × 3 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो इस तरीके से आएगा दोस्तों। 5, 6, 10 बच्चे बता रहे हैं, 5, 6 और 10 बच्चे बता रहे हैं, 5, 6 और 10 बता रहे हैं भैया, 5, 6, 10 तो नहीं आना चाहिए। 5, 6 अगर 10 आप बता रहे हो दोस्तों तो 5, 6, 10 नहीं आना चाहिए। लास्ट अप्रोच लगाऊंगा और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इस क्वेश्चन में एरर हो सकता है और कुछ नहीं होगा। आ जाओ दोस्तों लास्ट अप्रोच आप देखोगे। एक बात बताओ, एक चीज और कर सकते हो, 4 से इसे काट दो 2 बार, 4 से अगर इसे काटोगे तो मेरे भाई
अगर हम बात करेंगे तो जोड़ेंगे तो बिल्कुल सही। चलिए इसको होल्ड पर रखिए, कल हम कैलकुलेट करा देंगे इसको। हो सकता है कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है, हम लोग अपने क्वेश्चन को अपने तरीके से चल रहे हैं। एक यूनिट वाले 10 रख लो, आंसर ठीक हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 10। अच्छा दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 है। एक यूनिट की वैल्यू कहाँ 10 है भाई? एक यूनिट की वैल्यू अगर आप 10 रखोगे तो वैल्यू कैलकुलेट होके आ जानी चाहिए। चलिए हम इसको कल करेंगे, अच्छे तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है टाइपिंग एरर हो कुछ, इधर देख लेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को देखेंगे, तीन व्यक्ति हैं जो ए बी सी मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे आरंभ में क्रम से 30,000 रुपये, 24,000 रुपये और 42,000 रुपये निवेश करते हैं। 4 माह के बाद बी 6,000 रुपये और सी 10,000 रुपये निकाल लेते हैं। वर्ष के अंत में क्या होता है दोस्तों? वर्ष के अंत में व्यवसाय में 15,360 रुपये का लाभ होता है। लाभ में बी का हिस्सा बताना है। आ जाओ समझो बारीकी से। देखो दोस्तों, ए बी सी है, कौन है? ए बी और सी। होता क्या है दोस्तों, आ जाइए समझो बात को। ए बी सी है जिसमें 30,000 रुपये, 24,000 रुपये और कितना है? 6,000 रुपये। तो 3 जीरो को पहले काट लो, 3 जीरो को आप पहले काट लो। काट लिया आपने? जी बिल्कुल। कितना बचेगा यहाँ पर? 30 बचेगा। ओके दोस्तों, और बी कितना बचेगा? 24 यूनिट। और सी कितना है? सी है 6 यूनिट। ओके दोस्तों, चलिए आगे क्या हो जाता है। देखो दोस्तों, कितना है? 30,000। एक सेकेंड, ये 6 नहीं है, ये 4,200 है। ये कितना है? 42,000। 42,000 है तो यहाँ 42 लिखिए, यहाँ 42 लिखिए। अब आप आगे की तरफ बढ़ोगे। जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो होता क्या है, 4 माह के बाद बी 6,000 रुपये और सी कितना करता है? 10,000 रुपये निकाल लेते हैं। 4 महीने के बाद, कितने महीने के बाद? 4 महीने के बाद। तो 4 महीने तक तो पैसा लगा। जी बिल्कुल, 4 महीने के बाद क्या किया? 4 महीने के बाद बी ने 6,000 रुपये और सी ने 10,000 रुपये। इसने जब 6,000 रुपये निकाल लिए होंगे तो 24,000 रुपये बचे होंगे। जी बिल्कुल, जब 6,000 रुपये निकाल लेगा तो 24,000 रुपये बचेंगे। और जी बिल्कुल बचेंगे। ये अगले 8 महीने तक चलेंगे? जी बिल्कुल चलेंगे। अब आप आगे की तरफ बढ़ो। आगे क्या होता है, सी 10,000 रुपये निकाल लेता है। सी कितने पैसे निकाल लेता है? 10,000 रुपये। बी ने कितने निकाल लिए दोस्तों? ये बी ने पैसे निकाले हैं 6,000 रुपये। किसने निकाले? बी ने 6,000 रुपये निकाले दोस्तों। ए ने नहीं निकाले, ए ने पैसे नहीं निकाले हैं, क्योंकि ए के बारे में कोई चर्चा नहीं की जा रही है। बी ने निकाले 6,000। ए ने बिल्कुल नहीं पैसे निकाले। किसने निकाले हैं भैया? किसने निकाले? बी ने निकाले हैं। कितने निकाले हैं? 6,000 रुपये। और जब ये 6,000 रुपये निकाल लेगा तो 18,000 रुपये बचेगा। जी बिल्कुल बचेगा। और वो अगले 8 महीने तक चलेगा? जी बिल्कुल चलेगा दोस्तों। अब आप आगे की तरफ बढ़ो। जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे, सी 10,000 रुपये निकाल लेता है। सी कितने निकाल लेता है? 10,000 रुपये। 4 महीने के बाद क्या करता है? सी 10,000 रुपये निकाल लेता है, तो 32,000 रुपये बचता है अगले 8 महीने के लिए। ओके दोस्तों, अब इसे कैलकुलेट कर लो। और जो ए ने पैसा लगाया वो पूरे 12 महीने के लिए लगाया। अब इसे कैलकुलेट करो तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 360 बनेगा। जी बिल्कुल बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ो। 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96, 48 दूनी 96 और आगे बढ़ जाओ। 18 8 144, 18 8 144। ओके, 18 8 144, 8 8 64, 8 6 14। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 4 10, 9 4 13 और एक कितना हो जाएगा? 14। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 का 2, 240। कितना हो जाएगा? 240। आप आगे की तरफ बढ़ो। देखो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 168। अब देखो 8 दूनी 16 और 8 3 24 और 1 25। ठीक है दोस्तों, आब देखो 8 और 6 14, 6 5 11 और 1 12, 3 और 1 4। ओके दोस्तों, ये इनका प्रॉफिट का रेशियो हुआ, हुआ कि नहीं हुआ बताइए दोस्तों? ये प्रॉफिट का रेशियो हुआ? जी बिल्कुल हो गया। अब आप इसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लो। जब आप सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखो। अगर हम इसे 4 से काटें तो 4 निम 36, 90 आ जाएगा। 4 6 24, 60 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 6 24। ओके दोस्तों, अभी और सिंपल हो जाएगा ये। आ जाइए सिंपल कर लेते हैं, इसको सिंपल और कर लेते हैं। जरा देखो, 3 से कटेगा क्या? 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा। 2 से तो कट जाएगा भाई, 2 से कट जाएगा। चलिए हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि बी का हिस्सा बताइए और टोटल लाभ कितना है? 15,360। मेरे अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, यहाँ पर 45 कर लो, यहाँ पर 30 कर लो, 2 से काट दिया हमने, तो 2 5 10, 2 3 6। ओके दोस्तों, अब देख लो, 3 और 5 कितना हुआ? 8। और 5 और 3 8, 8 4 कितना हुआ? 12। 128 यूनिट 15,360 के बराबर है। अब देखो दोस्तों, देखो 2 से काटोगे तो ये 12 दूनी 24, अगर हम 2 से काट रहे हैं तो 2 से तो कटे ना नहीं, 2 8 16, 2 2 4, 2 से नहीं कटेगा। अब देखो काट लो इसे, कितने से? 6 से काटो तो 6 दूनी 12, 6 से तो नहीं कटेगा दोस्तों, ये कितने से कटेगा? 4 3 12, 4 2 8, 4 3 12, 4 2 8, 4 से काट लो,
चार तीय बारह कितना बचेगा आपका, जल्दी से बताएंगे, 3 चार अट्ठे 32 और 4 चौके 16। ओके दोस्तों, और काट लीजिए इसे, 32 से काटेंगे। तो देखो यहां 32 से जब काटोगे तो 16 से काट लो, 16 चौके 64 अगर काटोगे तो एक यूनिट की वैल्यू 13 आ जाएगी। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है क्वेश्चन, तो बी का लाभ बताइए, तो बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, जल्दी से बताओ, 30, तो 13 × 26 13 × 39 कितनी हो जाएगी, 13 × 39 तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपके क्वेश्चन का मित्रों बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आज के लिए फिर मित्रों इतना ही रखेंगे, आज थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन थे, इसके लिए घबराएंगे बिल्कुल नहीं। किसी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप बता सकते हो, अभी किसी को किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो जल्दी से बता दीजिए और अपने क्वेश्चन को समझ लीजिए, मैं एक बार नहीं दो बार फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण जाट जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कल हम पढ़ेंगे बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चन इसी टॉपिक के, कोई बात नहीं, अगर आपका सबका गलत हो गया, आज नहीं कर पाया क्योंकि आज थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छे तरीके से बस करते रहिए आप, अच्छे तरीके से करते रहिए। सेशन कैसा लगा एक बार हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा 3900 बिल्कुल सही तो आया आपका, 5, 6, 8 वाले का आंसर 5, 6, 10 ही होगा आपसे सही। चलिए उसको भी हम अगले क्लास में अच्छे से क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों तो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे, कल मुलाकात करेंगे इसी टाइम इसी जगह और 10 बजे आप जुड़ना ना भूलें, कल बेहतरीन क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट किया गया, बढ़िया तरीके से आप पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, वेरी गुड खेता जी, वेरी गुड, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।